क्या आप लोगों से आंखों में आंख डालकर बातचीत कर सकते हैं? बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं और बोलते हैं कि भाई हम आंखों में आंख डालकर बातचीत नहीं कर सकते, मुझे थोड़ा सा इन्फीरियर लगता है, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लगता है, स्पेशली बड़ा व्यक्ति कोई आ गया तो मैं एकदम झुक के बात करता हूँ और फिर नज़र मेरी नीचे जाती है। तो ये जब प्रॉब्लम आता है लोगों को तो फिर वो हमारे तक आते हैं कि मैंने क्या करना, क्या मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं लोगों से बातचीत ही नहीं कर सकता, एक वो लोग है। और दूसरे लोग आते हैं कि जिनको प्रॉब्लम है, मतलब जिनको मेंटल इलनेस है, ओसीडी है, और उसके वजह से वो आंखों में आंख डाल के बात नहीं करते और वो स्पेशली उनकी नज़र प्राइवेट पार्ट की तरफ जाती है। तो उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले हम देखेंगे कि भाई जब आंखों में आंख डाल के बात करते हैं तो नॉर्मल क्या टाइम है। नॉर्मल रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि नॉर्मली लोग 30 से 60% ऑफ द टाइम्स, 30% से 60% टाइम्स जब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति 10 मिनट किसी से बात कर रहा है तो उसमें से 3 से 6 मिनट वो आंखों में आंख डाल के बात करता है। यूजली ऐसा पाया गया है कि आप 60 से 70% टाइम, मतलब 10 मिनट यदि बात करें तो 6 से 7 मिनट यदि आप आंखों में आंख डाल के बात कर रहे हैं तो इमोशनल कनेक्शन अच्छा होता है। इसमें और एक है 50-70 रूल। 50-70 रूल जो है आई कॉन्टैक्ट का, वो ये बोलता है कि भाई 50-70% ऑफ द टाइम्स आपने बात करना चाहिए आई टू आई कॉन्टैक्ट से, मतलब आंखों में आंख डाल के बात करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 3 सेकंड से ज़्यादा यदि आंखों में आंख डाल के बात कर रहा है, कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहा है, गेज कर रहा है ऐसा, तो उसको बोलते हैं किस और किल फेनोमेना। मतलब क्या है कि यदि आप 3 सेकंड से ज़्यादा यदि किसी की आंखों में आंख डालकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक तो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं या उसको किल कर रहे, मतलब मार रहे हैं, या अग्रेशन मतलब होता है आपका, या आप उसके ऊपर हावी हो जाएगी, डोमिनेट करेगी। यूजुअली 10 सेकंड कंटिन्यूस आप किसी की तरफ देखते हैं तो सामने वाला बहुत ही अनइजी और रेस्टलेस हो जाता है और उसको लगता है कि भाई ये अटैक करेगा, क्योंकि वो अग्रेशन का लक्षण माना जाता है। 10 सेकंड से कंटिन्यूसली आप बातचीत करते आंखों में डाल के। तो जो लोग हमारे पास में आते हैं वो ओसीडी के पेशेंट आते हैं कि उनकी नज़र लोगों के प्राइवेट पार्ट की तरफ भी जाती है। मतलब स्पेशली जब पुरुष आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे जब कोई स्त्री सामने आती है तो उसके ब्रेस्ट की तरफ मेरी नज़र जाती है और वहीं मैं देखता हूँ और मैं कितना भी कोशिश करूँ तो वहीं बार बार देखूँगा। या पुरुष सामने आता है तो वो उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ मैं देखूँगा और वो मैं जितनी ज़्यादा कोशिश करता हूँ उतना ज़्यादा मैं वहाँ देखते रहता हूँ और फिर मुझे बहुत ही अकवर्ड लगता है, फिर वहाँ से मैं निकल जाता हूँ। लोग भी बहुत अनइजी हो जाते हैं मेरे प्रेजेंस में और वो भी फिर वहाँ से निकल जाते हैं। मैंने, भाई आपको ऐसा लगता है कि भाई लोग अनइजी होते हैं, किसने ऐसा बोला क्या कि मेरे आंखों में आंख डाल के बात करो या आप मेरे प्राइवेट पार्ट की तरफ देख रहे हैं, ऐसा किसने बोला है? नहीं, ऐसा किसने बोला नहीं। मतलब फिर ये आपकी मन की सोच है ना कि आप बार बार वैसा कर रहे हैं, सामने वाले ने किसने बोला नहीं, मगर ओसीडी में ये लगता ही है उसको कि नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ और वो सामने वाला कुछ बोलेगा। स्किज़ोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी है उसमें भी ऐसा होता है कि विड्रॉन है, आइसोलेटेड है, अकेला रहना चाहता है पेशेंट, और उस समय वो नीचे झुक के रहेगा, बातचीत नहीं करेगा, मुंडी ऊपर नहीं उठाएगा। डिप्रेशन के पेशेंट भी आंखों में आंख डाल के बात नहीं करते रहते हैं। यूजुअली वो उनको बहुत ही गिल्टी लगता है, नर्वस लगता है, डिप्रेस लगता है। आंखों में आंख डाल के बात कर रहा है, आई टू आई कॉन्टैक्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस है, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई है, मतलब खुद के बारे में खुद का मत अच्छा है, वो एसर्टिव है, अपनी बात अच्छी रख सकता है। आंखों में आंख डाल के बात करते हो, सेकंड ये पहला जो मैंने बताया कॉन्फिडेंस, दूसरा बताया कनेक्शन। कनेक्शन है, आप कनेक्ट हो जाते हैं जब आंखों में आंख डाल के बात करते हैं तो आपका अपनापन आ जाता है, इंटीमेसी आ जाती है और अच्छा लक्षण माना जाता है। देखो ना, बच्चा आपके आंखों में आंख डाल के बात करता है तो अच्छा लगता है आपको। यूजली बच्चा पैदा होने के बाद में उसकी नज़र स्थिर रहती नहीं है और पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं जब वो आई टू आई कॉन्टैक्ट चालू करता है। और फिर पेरेंट्स कुछ आते हैं हमारे तरफ कि भाई अभी इसने आंखों में आंख डाल के मतलब देखना चालू नहीं किया, मतलब उसका कुछ भी ब्रेन में प्रॉब्लम है, क्योंकि लेट समय तक भी मतलब 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया और तभी भी वो आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है, मतलब कुछ भी ब्रेन में प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। तीसरा जो है वो है कोऑपरेशन, मतलब आप सामने वाले को कोऑपरेट कर रहे हैं, उसका सुन रहे हैं जब आप आंखों में आंख डाल के बात करें, उसके तरफ देख रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि सामने वाला कोई बोल रहा है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, इसका मतलब सामने वाला लगता है कि भैया मेरी सुन नहीं रहा है, ये मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसको कोई पड़ी नहीं है, तो इसलिए आंखों में आंख डाल के बात करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा अपने माँ को बोलता है कि सुनना सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ,
या पत्नी पति को बोलती है कि सुनो जी, और वो अपने काम में बिजी है और आंखों में आंख डाल नहीं रहा है, देख नहीं रहा है चेहरे की तरफ, तो वो तो है कि भाई कोऑपरेट कर रहा है। चौथा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट मतलब आप जब आंखों में आंख डाल के बात करें कुछ तो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। समझे, एक आधी लड़की एक लड़के की तरफ आंखों में आंख डाल रही है और कुछ बातचीत नहीं कर रही है, तभी वो बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रही है, स्टेयरिंग कर रही है, देख रही है, आंखों में आंख डाल रही है। हो सकता है कि वो फ्लर्ट करना चाहती है या प्यार करना चाहती है, अट्रैक्ट करना चाहती है, अट्रैक्ट हो रही है, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसका मतलब कम्युनिकेशन भी होता है आई टू आई कॉन्टैक्ट। और पांचवा जो होता है वो है पावर, कि आप जब आई टू आई कॉन्टैक्ट देते हो तो आप एक पावरफुल इंसान हैं, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, सामने वाले से रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, ऐसा भी उसका मतलब होता है। इन शॉर्ट क्या है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़रूरी है। नीचे देख के कभी बात मत करो। आई टू आई कॉन्टैक्ट जब व्यक्ति देता है और बात करता है तो वो कॉन्फिडेंट माना जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना। तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है। इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसळी, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर, वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश, जुनून, उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।